आपने तो एकदम उसको लॉकडाउन कर दिया। ग्रेड टू का तो आपने यतीमों वाला हाल किया हुआ है कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे, उसके अलावा आप सारी सीरीज हारते जाएं तो ये कबूल है आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक दफ़ा फिर आपके पास हाज़िर हूँ अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान की डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के ऊपर, क्या हो रहा है पिछले फ्यू मंथ से, क्या सूरत हाल है क्रिकेट की, क्या पाकिस्तान इस डेवलपमेंट में अच्छी तरह कामयाब हो रहा है कि नहीं, ये सब पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। एक्चुअली जब से सीईओ साहब, नए सीईओ साहब वसीम खान साहब तशरीफ़ लाया इंग्लैंड से, तब से मुझे कुछ सूरत हाल बेहतर होती नज़र नहीं आ रही क्रिकेट में। उन्होंने आते ही बहुत सारे डिसीजन लिए, जिसमें सबसे बड़ा डिसीजन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज किया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान भी चाह रहे थे कि ये शेड्यूल सारा चेंज हो, मगर हमने इसके ऊपर इतनी जल्दी काम किया कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें पीछे छोड़ के आ गए जिसको हमें बनाते हुए पिछले 40 साल लग गए, और उस सेटअप को हमने एक ही मिनट में उड़ा दिया। और उसका ये नुकसान हुआ कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट, पाकिस्तान की ग्रेड टू क्रिकेट, जो सब डिपार्टमेंट खेल रहे थे, वो एकदम ज़मीन बोश हो गए। और हर चीज़ को उन्होंने इतनी जल्दी ख़त्म किया कि हमें एक तो प्लेयर्स को संभलने का मौका नहीं मिल सका जो पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 10-15 साल से खेल रहे थे और लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, उनका अब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे, मुझे सारे यंगस्टर नज़र आ रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर फर्स्ट क्लास का नज़र नहीं आ रहा जो लंबी क्रिकेट खेल सके। ये वही प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, आप पिछली डोमेस्टिक क्रिकेट निकाल के देख लें, जो भी एक्सपीरियंस बॉलर और प्लेयर खेल रहा है वही परफॉर्म कर रहा है। यंगस्टर में कोई इतना ऐसा आउटस्टैंडिंग प्लेयर मुझे नज़र नहीं आया, एक दो प्लेयरों के अलावा बहुत सारे प्लेयर जो जिन्होंने परफॉर्म किया लास्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में सीज़न में, जहाँ अभी जो कंटिन्यू सीज़न चल रहा है, आप उसके स्कोर कार्ड निकाल के देख लें, वही प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं जो पिछले 8-10 साल से खेल रहे हैं। तो फिर हमें इसको चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हाँ, अगर आप चेंज करना चाहते थे तो आप लोगों को 2-3 साल का प्लान बना के देना चाहिए था कि एक साल में ये होगा, हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे। एकदम हमने शटल डाउन कर दिया क्रिकेट का, हमने क्लब क्रिकेट बंद कर दी, हमने एसोसिएशन क्रिकेट बंद कर दी, हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, और एक ही पेज पे 200 प्लेयरों को लेके आए जो 2000 या 3000 के करीब प्लेयर खेल रहे थे, और उसका हमें ये नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप देखें, अगर मैं स्पिनर की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा है कोई ऑफ स्पिनर यहाँ पे कहीं खेल रहा है। जो खेल भी रहा है वो एक आध मैच खेल रहा है, उसके अलावा नहीं खेल रहा। तो आपने ऑफ स्पिनर का बिल्कुल कैरियर बिल्कुल ही लॉकडाउन कर दिया, आपको सोच ही नहीं है कि हमारे प्लेयर इसको कैसे डेवलप करना है। आपने इतने बड़े बड़े प्लेयर ले लिए डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के लिए, बड़ी बड़ी अकेडमी बना ली, भाई उसमें प्लेयर भी तो लेके आए हैं कि सारे आप अपनी नौकरियों के पीछे लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें आपको करनी भी हैं, ये नहीं है आपने डिसीजन ले लिया और आराम से कुर्सी पे हाथ रख के या कुर्सी के ऊपर बैठ गए और बड़े मज़े से अपने एंजॉय कर रहे हैं। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क मत करो, थोड़ा क्रिकेट के ऊपर गौर करो। आपने कौन से इतने डिसीजन लिए हैं जिसका हमें क्या नुकसान हो रहा है? आप अगर शेड्यूल चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से अपनी 8 टीमें बना लें, मगर डिपार्टमेंट क्रिकेट को वहीं पर रहने दें, उनको तो खेलने दें फर्स्ट क्लास। बहुत सारे प्लेयर, मैं अगर आप नाम मैं गिनाता जाऊं तो आपको ऐसे प्लेयर नजर आएंगे जो सिर्फ डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस किए हैं। आपके रीजन से कौन से प्लेयर निकल रहे हैं? आपके रीजन से सारे सिफारशी प्लेयर खेल रहे हैं, सारे सिफारशी खेलते आ रहे हैं, और डिपार्टमेंट क्रिकेट पैसे दे के खिलाती थी और उन्होंने इतनी डिवेलपमेंट के लिए पाकिस्तान के लिए काम किया, और सडनली आप लोगों ने 25-25, 40-40 साल की उनकी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। आपने बिल्कुल उनको शटल डाउन कर दिया और आप कह रहे हैं कि आप डिपार्टमेंट हमें स्पॉन्सर करें। भाई स्पॉन्सर करें तो उनको उनकी मर्जी भी करने दें। पीसीबी ने तो ये अथौड़ा लेके बैठे हुए हैं, तो ऊपर हमारा नाम होगा, हमारे थ्रू होगी।
भाई आपने अपनी 6 डिपार्टमेंट टीमें बना ली, आपने 6 सूबों की टीमें बना दी, उनको सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो उनको दें जो डिपार्टमेंट है ना उनके हैंड ओवर करें ताकि वो क्रिकेट को अच्छी तरीके से चला सके, वो अपनी मर्जी कर सके। आपने पूरा इंग्लैंड का रूल्स एंड रेगुलेशन वसीम खान साहब ने ला के रख दिया, हमारे ऊपर बंदूक की तरह रख दिया कि इसको इसके ऊपर काम करना है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ के जो डिपार्टमेंट हैं, जो वहाँ की काउंटी क्रिकेट है, वो अपनी मर्जी से टीमें बनाती हैं और अपनी मर्जी से स्पॉन्सर ढूंढती हैं और अपनी मर्जी से खिलाती हैं। आप उनको स्पॉन्सर जरूर ढूंढ के दें, मगर ये मत करें कि हमारे अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप पैसा तो उनसे ले रहे हैं, मर्जी अब आप नहीं कर रहे हैं। और आपने ला के अकेडमी में बहुत बड़े 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 प्लेयर ला के बैठा तो दिए हैं, मगर उनके लिए वो बच्चे भी तो लेके आए जिनको वो डेवलपमेंट के लिए कुछ सिखा सकें। ना आपके पास कोई ऑफ स्पिनर है, ना अभी आपके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा आ रहा है। आपके पास आते जाते एक दो लेग स्पिनर हैं, आपको बड़ी क्रिकेट के लिए आपके पास यासर शाह के अलावा कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा, तो आप कहां से क्रिकेट की डेवलपमेंट करेंगे? बड़ी क्रिकेट का मतलब यह नहीं है कि बड़ी क्रिकेट मतलब टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के लिए आपके पास फास्ट बॉलर कौन से नजर आ रहे हैं? मुझे गिन के बताएं कौन से। एक दो प्लेयर आपके पास नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलर जिसको अभी आपने 8-8, 10-10 मैच हुए हैं। आप मुझे ये बताएं आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस बॉलर ऐसा है मोहम्मद अब्बास के अलावा जो क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में आपके साथ खड़ा हो। वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं कर रहा है, पीछे नहीं खेल सका अच्छा। और भाई आपके पास एक दो अजहर अली, वो बाबर आजम और अरशद शफीक के अलावा और कौन से प्लेयर ऐसे थे जो आपको लाइन लगी हुई थी जो 100 के 100 ऊपर बना रहे थे? कोई भी नहीं है। पता नहीं आपने कौन सी टीमें सेलेक्ट करते हैं, अपनी मर्जी से टीमें सेलेक्ट। आप कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, भाई डेवलपमेंट जरूर करें, मगर ये भी तो सोचना चाहिए कि आपकी टीम को जीतना भी है, कि आप वर्ल्ड कप की तैयारी अभी से शुरू कर देंगे उसके अलावा आप सारी सीरीज हारते जाएं तो ये कबूल है आपको? सिर्फ वर्ल्ड कप खेलने के लिए आप लोगों की तैयारी है? वर्ल्ड कप जरूर खेलें, जूनियर सीनियर को साथ लेके चलें, तभी होगा कुछ। आप डेवलपमेंट क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप सारे यंगस्टर को ले जाएं। आप मुझे ये बताएं अगर ले जाएंगे तो आप कहेंगे हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, सारे यही बातें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी। पहले राउंड में आप बाहर हो जाते हैं, कौन से 5 साल की वर्ल्ड कप की आप तैयार करेंगे? जो इतनी सीरीज होंगी इसके दरमियान उनका कोई खमियाजा नहीं आपको भुगतना पड़ेगा। आप जिम्बाब्वे से मैच आ गए, बात आप कर रहे हैं डेवलपमेंट की, आप सारे प्लेयर नए खिला रहे हैं। ठीक है नए प्लेयर खिलाएं, मगर पुरानों को भी साथ लेके चलें। और खुदा रहा डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को इतना ना चेंज करें कि हर प्लेयर क्रिकेट, मैं अगर फादर हूं ना, मैं अगर अपना बच्चा खिलाना चाहूं तो मैं अभी नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे लूं। 100 प्लेयर पूरे पाकिस्तान से 100-200 प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके अलावा ना उनकी कोई नौकरी है, कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं कैसे अपने बच्चों को क्रिकेट खिला सकूंगा? मुझे पता है मैं रिस्क क्यों लूं। यही सारे फादर सोच रहे हैं, यही माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। भाई उनको कुछ कॉन्फिडेंस लेवल में लेके आए, क्रिकेट को चेंज जरूर करें, मगर इतना चेंज ना करें कि आपने तो एकदम उसको लॉकडाउन कर दिया, हर टीम को 200 प्लेयर खेल रहे हैं बस, आपके ग्रेड टू के 200 प्लेयर। ग्रेड टू का तो आपने यतीमों वाला हाल किया हुआ है, ना उनको कोई प्राइज मनी दे रहे हैं, ना उनके कोई मैच लाइव दिखा रहे हैं, ना उनको आप कोकापुरा का बॉल दे रहे हैं। बात आप वसीम खान साहब ऐसे करते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अपनी एक ही लेवल नीचे चले जाए तो आपने तो उनको यतीम बनाया हुआ है। कौन सी क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं? क्रिकेट ऐसे नहीं होती, इसके लिए कुछ सोचना पड़ता है, और इसके लिए हाथ के ऊपर हाथ रख के नहीं बैठना, कुछ काम करना है, और काम करने के लिए आपको 5 साल नहीं दरकार। आप इसको जल्दी जल्दी डेवलपमेंट करें और इसकी बेहतरी के लिए काम करें। और मेरे इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको लाइक भी करेगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।